हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25। ये चैप्टर बायोलॉजी का है जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 11वीं क्लास के हों, चाहे प्लस टू हों जिनके CBSE NCERT हो, ठीक है, चाहे वो UP बोर्ड को बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट और भी होगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाई जाएगी और जो है स्क्रीन पे दिखाई भी जाएगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको नोट्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA, MA के बच्चे हों, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो, तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बायोम्स, द बायोम्स व्हेन यू ट्रैवल टू अ लॉन्ग डिस्टेंस इन द अ ट्रेन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू द अदर्स, यू एंजॉय एंड वॉचिंग आउटसाइड। योर ट्रेन पास थ्रू द थिक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, क्रॉप्सलैंड एंड देयर सम टाइम इज अ माउंटेन। इफ यू लुक एट द Earth from a distance, show the beautiful oscilloscopy pattern. All these patterns are because of there are different types of plants that grow in these regions, and their plants grow is reminded of physical, epigraphic, and geographical characteristics of a place. And these are the natural bodied biotic zone of the biosphere is called is a biome. The each biomes is characterized by uniform life from a vegetation such as a grass, desert, plant and causes trees are their coniferous trees. A biomes is a there is the large ecosystem is the embryonic with the large landscape characteristics by a specific flora and fauna. The biomes is can be classified as the first is terrestrial. There is a terrestrial. There are the biomes found on the land as a tundra, forest, desert, and grassland. There is an example of terrestrial forest here. And second is a aquatic. Aquatics are biome. These are biomes found in the water, and this can be a fresh water such as pond, lake, rivers, and the marine oceans and seas. There is a most important here. Terrestrial and aquatic. दोस्तों यहाँ पर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है बायोम। देखिए बायोम्स क्या है, आपने ये साधारण तौर पे कहीं भी देख सकते हो। अगर आप ट्रेन में कभी यात्रा किया हो तो आप देखते हो कि ट्रेन कई इलाकों से गुजरती है, उसमें आपको हर टाइप के पेड़ पौधे, जंगल, डिजर्ट, ठीक है, मरुस्थल भूमि, चरगाहें भूमि, ठीक है, हर पहाड़ क्षेत्र भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो है बायोम के ही पार्ट हो सकते हैं या हैं। यदि आप दूर से पृथ्वी को देखते हो तो वह एक सुंदर जो है क्लाइस्ट्रोस्कोप यानी बहुत जो है मूर्तिदर्शी की तरह दिखाई देता है। अगर आप कहते हैं जहाज से अवलोकन करो पृथ्वी का, तो वह जो है बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य रिप्रेजेंट करेगा। चाहे आप चित्र भी देखते हो डिजिटल, तो उसमें आपको बहुत ही खूबसूरत दृश्य आपको नज़र आएगा। कहते हैं ऐसी खूबसूरत दृश्य का यह नमूना जो देखने को मिलता है, इसका कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को पाया जाना है। क्योंकि अगर आप ऊपर से देखोगे या बिल्कुल सपाट होगा तो उसकी सुंदरता तो नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे, जंगल, वृक्ष, ये सारे चीज़ें जो होती है ये बहुत सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है। कहते हैं पादप वृद्धि किसी स्थान के भौतिक
और जो है मृदा यानी मिट्टी को भौतिक अभिलक्षण पर आधारित होती है। देखिए कोई भी पादप कहीं भी ग्रोथ करता है तो वहाँ की मिट्टी जो होती है अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। और दूसरी बात होती है भौगोलिक अभिलक्षण। कहते हैं ये जो है जैव मंडल में विस्तृत प्राकृतिक जैव क्षेत्र हैं जिन्हें हम जो है जीवोम कहते हैं या बायोम कहते हैं। जीवोम या बायोम कहा जाता है। प्रत्येक बायोम की पहचान वनस्पति के स्वरूप जैव रूप जैसे होते हैं, जैसे घास, मरुस्थलीय पादप, पनपते वृक्ष होते हैं। बायोम या जीवोम एक वृक्ष परितंत्र है जो एक विस्तृत स्थान घेरती है और विशेष जीव एक पादप जाति इसके प्रमुख अभिलक्षण होते हैं। कहते हैं बायोम का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। बायोम जो होती है दो प्रकार से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो और यही दो जो प्रकार हैं उनको हम विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। यहाँ पर आपको दिखेगा एक जो होगा स्थलीय, जिसको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। ये बायोम भूमि पर पाए जाते हैं जैसे टिंडा, वन, मरुस्थल, घास के मैदान। और दूसरा जो होता है ये पारितंत्र जल में पाए जाते हैं जो अलवणीय जल, तालाब, झील और नदी में देखने को आपको मिलेगा। कहते हैं लवणीय जल जैसे समुद्र और उथले समुद्र भी हो सकते हैं। तो इसके बारे में जो हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, सबसे पहले हमारे समक्ष आता है टेरेस्ट्रियल बायोम्स। अब देखते हैं स्थलीय जो जीवोम है यानी टेरेस्ट्रियल बायोम्स है उसमें क्या अभिलक्षण दिखाया गया है। हियर इज अ ब्रीफ इज अकाउंट ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम्स। द फर्स्ट इज फॉरेस्ट्स। फॉरेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। द फॉरेस्ट आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इज अ प्लांट फॉर्मेशन। Density is packed with the tall and big tree. Forests are many different types of endemic on the is a climatic regimes in which they are found. There are three main forest types here. Is a tropical rainforest, as a temperate deciduous forest, and the boreal north conference forest. There is a three type, but first is tropical rainforest. There is called the evergreen forest. There is a name is the most important here, and these are in the tropical region of every high rainfall. That is the most important here. Here is a very high rainfall here. Such a forest where are developed over the western coast of India and northern eastern Himalaya and scattering in the South East Asia, West Africa and the northern coast of South America. There is the most important the heavy rain here. The main characteristics is plant here. The temperature and light is intense and the very high, and the rainfall is greater than 200 centimeter per year. That is the most important the heavy rain, the 200 centimeter per year, and the soil this region is a rich and the humus. There is the most important for the growth of plant. And there are the rate of turnover of the nutrients is very high, leading to high productivity and the high have a highest standing crop and biomass here. And they also the vegetative include a potted evergreen trees of about 200 feet like a bamboos, ferns, etc. The epiphytes and the woodley is a vines. Lianas are also is abundant, and the many tree species show to buttress and strengthen them base and the leaves with the trip tips. That is the most important. And this forest have a rich invertebrate as vertebrate fauna, and the snail as centipedes is a millipedes, and the many insect species are common near the forest floor. And the Rascosporus is a flying frog, aquatic reptiles. Is a culminus and the many birds are common in this forest. The members of this forest is a short as monkey, ant, adder. Ant adder is the most important, a leaf bird, as a jungle cat, as a grand flying squirrel. There is the most important animal present in this area. दोस्तों देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उसको सदाबहार एवरग्रीन वन के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं ये ग्रीन फॉरेस्ट कई मायने में इम्पोर्टेंट है और कई जगहों पर ये अपना स्थान रखती है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट जो है बताया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में रेन होती होगी, इसलिए इसका नाम जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन जो है उत्कर्षवर्णीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है,
यानी नाम से इसको ही रिप्रेजेंट किया गया है। कहते हैं ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप भारत को दो भागों में डिवाइड करो तो आपको पता लगेगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में क्या स्थित है। ऐसे सुविकसित वन भारत में जो है पश्चिम घाट और उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, और दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर यह पूरी तरह से फैली हुई है, जो कि इसकी इंपोर्टता को दर्शाता है। अगर देखा जाए इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है, तो ये जो होती है यहाँ पर मुख्य विशेषताओं में यही आती है पहली बात कि ये अत्यधिक तापमान एवं प्रकाश तीव्रता रहती है। देखिए यहाँ पर सबसे अधिक है अत्यधिक तापमान एवं प्रकाश तीव्रता रहती है। कहते हैं किसी भी फॉरेस्ट को ग्रोथ करने के लिए तापमान और प्रकाश की तीव्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात जो पौधों के ग्रोथ के लिए चाहिए होता है वो है अत्यधिक वर्षा, यानी वर्षा अगर होती है तो पौधों को पनपने के लिए एक अच्छा कंडीशन मिल जाता है, जो कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पर होती है। तीसरी बात रखता है कि इन क्षेत्रों की मृदा जो है ह्यूमस से परिपूर्ण है, यानी ह्यूमिडिटी काफ़ी अच्छी है इसकी मृदा की, मिट्टी की, तो इसमें जो है फसल उत्पादन या पेड़ पौधे ग्रोथ करने के लिए काफ़ी मान्य होता है और एक आदर्श क्षेत्र माना जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रखता है। अगर देखा जाए पोषक तत्व की अत्यधिक उपलब्धता के कारण ये उत्पादक अत्यधिक रहती है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो पोषक तत्व की अत्यधिक उपलब्धता के कारण यहाँ उत्पादकता की जो है मान बहुत काफ़ी बढ़ जाती है, तथा जैव भार या खड़ी फसल की मात्रा सबसे अधिक यहाँ पर पाई जाती है। तो ये विशेषताओं में से है। आगे विशेषता ये है, कहते हैं अगर देखा जाए तो इन वनस्पति में 200 फीट लंबे सदाबहार वृक्ष जैसे बांस, फर्न, झाड़ियाँ आदि पाई जाती है। कहते हैं अधिपादर और कटलायता यानी विलेनाइस भी बहुलता में पाए जाते हैं। जो यहाँ पर बताया गया कटलाता है यानी लियानास भी बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं। कहते हैं कुछ पादप जाति में तने का जो है प्रेमूल यानी बटरलेसेस जो है आधार फूला हुआ और लटकी हुई नुकीली पत्तियाँ यहाँ पर पाई जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इसकी खासियत को दर्शाता है और अपने दुश्मन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। कहते हैं इन वनों में अकाशरुखी और कशरुखी जीव जातियों का बहुल्य होता है, और वन के आधार से घेंगे, सेंटीपीडस, मिलीपीड और अन्य कीट जातियाँ भी सामान्य रूप से यहाँ पर पाई जाती है। कहते हैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो जाति पाई जाती है वो होता है रकोफोरस। रकोफोरस जो होती है उड़ने वाला मेढक होता है, जो कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। कहते हैं जातीय सुस्वरूप और गिरकीट और उनके पक्षी भी इन वनों में सामान्यतः पाए जाते हैं, और इन वनों में स्तनधारी जंतुओं में जो होगा स्लॉथ जो होती है, बंदर, चीटीखोर, तेंदुए, जंगली बिल्ली और बड़ी गिलहरी पाई जाती है, जो कि इनकी काफ़ी विशेषता रहती है। कहते हैं कि इनको यहाँ पर पनपने के लिए और इनको जीवन जीने के लिए हर तरह की कंडीशन जो है इनको मिल जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनके लिए हर एक कंडीशन उपलब्ध होता है। कारण क्या होता है कि ये अत्यधिक वर्षा वन है तो यहाँ पर जो है खाने पीने की कमी तो होगी नहीं। दूसरी बात होता है कि यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी है तो पेड़ पौधे जो है बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और इनको हर एक कंडीशन में भोज्य पदार्थ मिल जाते हैं, जिसके वजह से ये आदर्श क्षेत्र बन जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बात यहां रखता है। द नेक्स्ट इज अ टेम्परेट डिसीडसस फॉरेस्ट। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट हियर एज अ डिसीडस फॉरेस्ट। द ट्री ऑफ डिसीडसस फॉरेस्ट इज अ सीड देयर आर लीव्स इन ऑटमन्स एंड द न्यू फॉरेस्ट ग्रो इन द स्प्रिंग। देयर अकर मोस्टली इन द नॉर्थन वेस्ट सेंटर एंड द ईस्टर्न यूरोप। The Easterns is a Northern America, North China, Korea and Japan. For the Eastern Russia as Australia. There is a most important is a temperate discussion forest. There is a present in the all over country. There is most important and there are climate here. There is a forest occur in the area of moderate climatic condition such as a annual rainfall is a 75 to 150 centimeter is the yearly and the is a winter last of 4 to 6 months. There is a most important year. The winter is the last of 4 to 6 months. Here is a present and temperature ranging between to the 10 Celsius to 20 Celsius is a important year. And so is a brown and rich is a nutrient. That is the most important for the growing of tree. Their soil and browns and rich of nutrient.
पेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फ्लोरा एंड फौना. द कॉमनली फाउंड द ट्री इन द इकोसिस्टम आर ओका इज अ बर्च एंड द हेल्दी ऑफ चेस्ट नट पिच एंड पाइन एंड सरपस इज ए इनवर्टिब्रा. फना इज ए कंप्रेस इज ए ग्रीन ओका. मूथ एंड बार्क बेटल्स ग्रीन फ्लाइज. एफिड इज ए सेफलोलेस मूथ एंड द बटरफ्लाई. देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरा एंड फना हेयर एंड द परमानेंट इज अ ग्रासर एंड द ग्रास ईटिंग रोडेंट डियर बाइसंस एंड रोडेंट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस फॉरेस्ट. एंड they feed on the seeds, fruits and leaves of the trees and consumes is a much more food than to the large size of grassers. A commonly carnivorous is their temperate is a forest or wild cat is a wolf. Foxes is a talent owl and sparrow hawk and black bear is a raccoon and the circus is a omnivorous animal this in a forest. दोस्तों यहाँ पर जो है शीतोष्ण पनपती वन जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कहते हैं शीतोष्ण पनपती वन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ अपना स्थान रखता है. पनपती वनों में वृक्षों की पत्तियाँ जो होती है पतझड़ यानी ऑटोमन्स में क्या होता है ऋतुओं में गिर जाती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है. और कहते हैं नई पत्तियाँ बसंत ऋतु में आती है. बसंत ऋतु जो होता है यहाँ के लिए एक बहुत ही आदर्श ऋतु मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बसंत ऋतु में जो है हर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए अपना उचित आहार और पर्याप्त भोजन प्राप्त मिल जाता है. कहते हैं वन अधिकतम जो है उत्तर पश्चिमी केंद्रीय और पूर्वी यूरोप या उत्तर पूर्वी अमेरिका, अमेरिकी चीन, कोरिया, जापान, सुदूर पूर्व ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है. देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर एक क्षेत्र में ये जो है पाया जाता है. क्यों? क्योंकि इसका जो है आदर्श रूप यहाँ पर प्रस्तुत होती है, क्योंकि शीतोष्ण पनपती वन जो होती है इसके लिए हर एक कंडीशन जो है इसके फेवर में होता है. जैसे कि आप देख सकते हो कि जलवायु ये वन मध्यस्थ जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं. जैसे वार्षिक वर्षा जहाँ पर 75 से 150 सेंटीमीटर तक देखी जाती है वहाँ पर ये वन जो है एक आदर्श रूपी होती है. कहते हैं शीतकाल यानी शीतकालीन जारा, जारा में जो होती है यहाँ पर 4 से 6 माह तक रहती है. देखिए जारा 6 से 4 मास तक रहती है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है. दूसरी बात है तापमान जो होता है यहाँ पर 10 सेल्सियस से 20 सेल्सियस के बीच में रहता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बात रखता है. ये टेम्परेचर जो है काफ़ी ठीक ठाक ही रहता है जीवों को अपना ग्रोथ करने के लिए. कहते हैं मृदा भूरी और पोषक तत्वों परिपूर्ण होती है. दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट रहता है वो ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर वहाँ पर वन्य जीवन को जो है आगे बढ़ना है तो उनके लिए पोषण तत्व की मात्रा होना अत्यंत महत्वपूर्ण है. शीतोष्ण पनपती वन में जो है उनको आदर्श जो है पोषक मृदाएँ मिल जाती है यानी मिट्टी प्राप्त हो जाती है, जिसके वजह से जो है यहाँ पर अच्छा जो है पेड़ पौधे बढ़ते हैं आगे. अगर देखा जाए यहाँ पर पादप जात यानी फ्लोरा और प्राणी जात यानी फ्लोरा. देखिए दोस्तों ये फ्लोरा फना जो होती है कभी कई इम्पोर्टेंट रहती है, ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ आता है. और यहाँ पर एक मिस्टेक भी है कि यहाँ पर फ्लोरा लिख रखा है, जो कि यहाँ फना आता है फ्लोरा और फना होता है. पादप जो होता है फ्लोरा में आता है और प्राणी जात जो होता है फना में आता है. कहते हैं इस पारितंत्र में सामान्यतः ओका, वृक्ष, हीथ और हिकोरी, वास, गुड और चेस्टनट, चीड़, साइप्रस आदि वृक्ष पाए जाते हैं. ये वृक्ष बेसिकली नाम आपको कठिन लग रहा हो लेकिन ये सारे वृक्ष जो हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ के जीव जंतुओं के लिए. कहते हैं अकशरूपी जंतुओं में हाड़ा, ओका, सलाब, बीट, हरी जो है हरी मक्खियाँ, एडिफ स्प्लोराइडा, तितलियाँ पाई जाती हैं, जो कि एक जनरल क्षेत्रों में पाई जाती हैं. पूर्णतः या घास पर निर्भर रहने वाले कृंतक प्राणी जैसे रेडेंट, हिरण, बाइसन और प्रमुख पशु पाए जाते हैं. इन वनों में कृत्रिम प्राणी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ये बीज, फल व पत्तियाँ खाते हैं और बड़े उपभोक्ताओं की अपेक्षा अधिक खाद्य का उपयोग करते हैं. देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये जीव जंतु हैं ये सारे के जो खाद्य हैं उनको उचित मात्रा में उनको मिल जाती है. और कहते हैं इनके लिए आदर्श कहते हैं जगह स्थान यही होता है, यही हैबिटेट जो है आदर्शमय है, इसलिए सारे जीव जो है यहाँ पर निवास करना उचित मानते हैं. कहते हैं अगर देखा जाए तो शीतोष्ण वनों में मांसाहारी पशुओं में जंगली बिल्ली, भेड़िया, लोमड़ी, कश्यप उल्लू और स्पेरा बाज और जो है आदि पाए जाते हैं, जो कि इनके लिए आदर्श भी पाया जाता है और सारे के लिए भोजन भी उपलब्ध रहता है. इन वनों में काला भालू भी देखने को मिला है और रैकून आदि
सर्वहारी जंतु पाए जाते हैं। कॉनिफरस फॉरेस्ट आर नोन एज अ टाइगर और बोरियल्स फॉरेस्ट। देयर आर कॉनिफरस फॉरेस्ट टू नेम अदर इज अ टाइगर एंड द बोरियल्स फॉरेस्ट। देयर एक्सटेंड एज अ कंटिन्यूसिव बैटल अक्रॉस अ नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ यूरेशिया। द बिलो देयर आर्कटिक टुंड्रा इज अ हिमालय। दिस आर डिस्ट्रीब्यूट अबव टू द 1700 to the 3000 meter altitude. That is the most important. There is the distribute above to the 1700 to a 3000 meter altitude. And this also occur at a high altitudes below to the alpine tundra and tree lines. That is the most important here. And there are climatic condition here. The climate is very cold. Means very cold here in Moto, important. The long and the harsh winter is for more than 6 months. There is a 6 month is a very long and the harsh winter, and the mean to the annual temperature is a below to the 0 Celsius. 0 Celsius is a very is a conditional critical, and the soil is a poor nutrient and acidic in the nature. There is a most important, there is soil is a very poor nutrient and there is acidic of the nature. And the flora and the fauna is a coniferous forest are characterized by the conifer is the gymnosperm form. Gymnosperm is here, and there are a evergreen dwarf aristens and woodland. In a many species, the is a canopy is a concept. The common is a species of tree of this forest are spruces, the fir and pine tree. Their productivity is much less than to the other ecosystem, and there are very few animals in this forest. There is the herbivorous are red squirrel, deer, goat, and the mole is a moose, etc. The carnivorous is a timber, as a wolf, lynx, and the wolverine, versus milk and the bear. Some common is a birds are crows, the bill thoraces is a warblers, is a flag catchers, and the ravens and the sparrow. That is the most important here. यहाँ पर दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है शंखधारी वन। देखिए शंखधारी वन जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट रखता है। शंखधारी वनों को जो है ट्रंगा भी कहते हैं या बोरियल्स भी कहते हैं, बोरियल भी कहते हैं, यानी इसको दो नामों से जाना जा सकता है आगे कि इसको ट्रंगा भी कहते हैं और बोरियल्स भी कहते हैं। ये बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक नियमित बेल्ट के रूप में उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरेशिया तक फैली हुई है। कहते हैं अगर हिमालय में यह वन जो है 1700 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, यानी आप कह सकते हो कि 1700 से लेकर जो है 3000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। यह वन जो है अल्पलाइन टुंड्रा और वृक्षों के रेखा ट्री लाइन्स के नीचे ऊंचे ढाल पर पाए जाते हैं, यानी ये सराउंडिंग एरिया होती है वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर देखा जाए यहाँ पर जलवायु कंडीशन का, तो कहते हैं जलवायु बहुत ठंडी होती है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं और ऊपर से 1700 से लेकर 3000 सेंटीमीटर ऊंचाई की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो होगा ठंडा क्षेत्र ही पाया जाएगा, क्योंकि इतने ऊंचाई और इतना जो है हिमालय भी नाम आया है, तो हिमालय क्षेत्र जो जितने भी हैं वो ठंडा इलाका में से ही माना जाता है। कहते हैं यहाँ पर जलवायु बहुत ठंडी होती है, लेकिन 6 माह से अधिक लंबा एवं कठोर शीतकाल चलती है, यानी 6 महीने तक यहाँ पर जो है काफ़ी ठंड पड़ती है, जिसकी जो है तापमान की सेल्सियस अगर देखा जाए तो 0 सेल्सियस से भी कम होती है। तो आपको पता है कि 0 सेल्सियस पे जो होता है बर्फ जम जाता है, यानी पानी जम जाती है, और इससे भी नीचे चला जाता है, तो ये बहुत ही ये आप समझ सकते हो क्या ठंड पड़ती है। अगर देखा जाए इनकी मिट्टी की हालात, तो इसमें मिट्टी में जो पोषक तत्वों के काफ़ी अभाव होते हैं और उसकी प्राकृतिक अम्लीय होते हैं, यानी ये एसिडिक होती है मिट्टी, जहाँ पर बहुत से फसलों का होना संभव नहीं होता है। कुछ ही कार जो वृक्ष होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है। अगर देखा जाए यहाँ पर पादप जात और प्राणी जात कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यहाँ पर तो आपको पता ही है कि 0 सेल्सियस टेम्परेचर है, तो वही जीव जंतु पनप सकते हैं, रह सकते हैं, जो इस कंडीशन के लिए होते हैं। कहते हैं शंखधारी वनों में जो है अनावृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म शंखधारी वृक्ष पाए जाते हैं, यानी इसमें जो है जिम्नोस्पर्म सबसे अधिक पाया जाता है। कहते हैं ये सदाबहार शुष्क तारोदी और कष्टिक होते हैं, यानी ये सदाबहार होते हैं और शुष्क क्षेत्र में भी रहने के लिए जो है प्रेरित होते हैं। बहुत सी जातियों में जो क्रियोटल्स यानी कैनकोपिस शकाकार होते हैं,
और जो है इसमें सपुरुष देवदार चीर व वनों के सामान्य जाति पाए जाते हैं। इनकी उत्पादकता देखा जाए तो अन्य पारिस्थितिक तंत्र यानी पहाड़ी तंत्रों से कम होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। यहाँ पर इन वनों में बहुत कम जीव जंतु पाए जाते हैं। इसका कारण तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 6 महीने के जो है ठंड काफ़ी पड़ती है, जो 0 सेल्सियस से कम टेम्परेचर होती है, तो बहुत से जीव जंतु जो है यहाँ पर नहीं पाए जाते, यानी बहुत ही कम पाए जाते हैं। शाकाहारी प्राणियों में जो है लाल गिलहरी, हिरण, बकरी, खच्चर, बाड़ासिंगा पाए जाते हैं, जो कि जनरली इंसानों के द्वारा ही पाले जाते हैं। ठीक है, मांसाहारी जंतु में भेड़िया पाया जाता है, लकड़बग्घे पाया जाता है, विजलक, मिंक और भालू पाए जाते हैं, और इनको यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए इनके खाले जो होती है मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो आसानी से सर्वाइव कर सके। कहते हैं कुछ सामान्य पक्षी क्रॉस बिल और जो है थैसोज, बलवरसस, मक्कीमार और राविंस, गोरेया आदि भी इन वनों में सामान्य देखे जा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी कंडीशन जो है सही नहीं है, इसलिए बहुत से जीव जंतु जो है यहाँ पर अब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके लिए 0 सेल्सियस टेम्परेचर पर वही रह सकते हैं जो उनके लिए बनाए गए हैं या उनमें सर्वाइव करने के लिए वो सक्षम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। ग्रासलैंड इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हियर, और डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। द ग्रासलैंड्स आर डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस। देयर इज अ नेम टू द इज कॉल्ड ग्रासलैंड, मींस डोमिनेटेड बाय द ग्रासेस। देयर ऑक्युपाई अबाउट 20% ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ सर्फेस, एंड दे अकर इज अ बोथ ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स वेर इन्वायरमेंटल कंडीशंस आर बेटर देन दैट ऑफ टू डिजॉर्ट, बट रेनफॉल इज नॉट बी इनफ टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ ट्री। द ग्रासलैंड इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इज अ इक्टोन, मीन्स अ जोन इन अ बिटवीन टू इकोसिस्टम, एंड आर अ फाउंडेड बिटवीन टू फॉरेस्ट ऑन द साइड ऑफ डिजॉर्ट ऑन द अदर। दे आर आर सब्जेक्टेड टू बी ग्रेटर वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, मॉइस्चर, विंड्स एंड द हाई इंटेंसिटी ऑफ द सन। द ग्रास लैंड नोन एज द वेरियस नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल दे आर इज कॉल्ड द पेरियासिस, स्टेपस, सावंस एंड पम्बास। देर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इज अ नेम इज अ कॉल्ड टू डिफरेंट एरिया डिफरेंट नेम। देर इज अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड इज कॉमनली इज कॉल्ड इज अ सवाना। द सवाना इज अ हिंदी नेम। देर ट्रॉपिकल ग्रास लैंड इज अ कॉमनली कॉल्ड इज अ सवाना। देर अक्कर इन द ईस्टर्न अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलियस इज इंडियन इज अ सवाना फ्रॉम टू कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम एज देर ए कंटेंट टू द ग्रासेस विद द ग्रुप्स ऑफ ट्री। There are soil grasslands that reach air of fertility. There is the most important area. The savanna is an area, is a soil grassland, is a rich of fertility and the growth of many types of tree. The flora and the fauna here, the grassland are dominated plants with the scattering, is a drought, is a resistance are trees in the tropical grassland. There is the flora and the fauna. The trees are less than 10 meters in height and annual are is a much reduced to the grassland because there is a no shelter. The large herbivores on their biome, there is a bison and prohor in the North America, and the wild horse as Ezeka, Eurasia, and the zebra and the antelope South Africa. The carnivores are quite small and a number of size. They are there is a coyotes, wolves, and the best go is a foxes and the ferrets. There is a name is a hawk and the lorca, sparrow, barrel, great Indian bustard and the peafowls. There is a common birds found in the grassland. The grassland is are very rich in the reptilian and insect fauna. यहाँ पर तो घास स्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे, घास के मैदान या ग्रास लैंड। देखिए इसको घास स्थल या जो है घास का मैदान के भी कहते हैं। अगर देखा जाए सामान्यतः इसका जो है घास के मैदान में घास का जो है बहुमूल्य होती है और यह पृथ्वी की सतह के लगभग 20% भाग घेरे हुए हैं। ये उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ जो है पर्यावरणीय स्थिति मरुस्थल से अधिक अच्छी है, लेकिन पेड़ों की वृद्धि के लिए वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर ग्रासलैंड की बात किया जाए तो ग्रासलैंड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है वर्षा की मात्रा पे, क्योंकि वर्षा जहाँ पर होगी वहाँ ग्रास जरूर उगेगी। और कहते हैं ये दोनों जगह देखने को मिलता है, चाहे वो उष्णकटिबंधीय हो वन हो चाहे शीतोष्ण वन हो, ये दोनों जगह भी जो है आपको ये ग्रासलैंड मिल जाएगा।
लेकिन मरुस्थल क्षेत्र अच्छे नहीं होते क्योंकि यहाँ बरसात की जो मात्रा होती है नहीं होता है। लेकिन कहते हैं यहाँ पर घास के मैदान एक जो है इकोटोन दो पारिस्थितिक तंत्र के बीच का क्षेत्र माना जाता है, एक तरफ वन और दूसरी तरफ मरुस्थल के बीच पाए जाते हैं। यानी अगर देखा जाए तो एक तरफ जो वन होती है और दूसरी तरफ मरुस्थल के बीच पाए जाते हैं। इसमें जो है तापमान, आर्द्रता, वायु एवं सूर्य के प्रकाश की तीव्रता का परिवर्तन अधिक होती रहती है। यानी आप देखोगे तो यहाँ तापमान, आर्द्रता, वायु, सूर्य के प्रकाश की तीव्रता बनी रहती है और ये अधिक परिवर्तन भी होती रहती है। कहते हैं घास के मैदान विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये घास के जो मैदान है जो इसको हम ग्रास लैंड कहते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। अगर उदाहरण आप देखोगे तो इसको ये जो है प्योरी, स्टोपीस, सवाना और जो है पंपस नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो है ग्रास लैंड के कोई भी नाम हो सकते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सामान्यतः इसको सवाना भी कहते हैं। यानी अगर उष्णकटिबंधीय अगर हम घास के मैदान को देखें तो इसका अगर कॉमन नेम सवाना है, यह पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में इसको सवाना तुल्य चरगाह के मैदान मिलते हैं। यानी भारत में इसको सवाना तुल्य चरगाहों के रूप में जहाँ पर भेड़ बकरियों को चराने के लिए ये बहुत ही आदर्श क्षेत्र माना जाता है। कहते हैं सवाना एक जटिल जो है पारितंत्र यानी पारितंत्र बनाते हैं जिसे घास के साथ वृक्षों का एक समूह होता है। घास के मैदानों की जो है मृदा समृद्ध और उपजाऊ होती है क्योंकि आपको पता ही अगर घास होगा और पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधे के पत्तियों से क्या होगा, खाद बनेगा और वो ग्रासों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसलिए इस क्षेत्र में जो है छोटे घास के साथ साथ बड़े बड़े वृक्ष भी पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है फ्लोरा और फना किस प्रकार के पाए जाते हैं, यानी पादप जात और प्राणी जात जो है किस प्रकार के यहाँ पर पाए जाते हैं। क्योंकि ये दोनों कंडीशन का मिला हुआ है तो आपको पता है कि यहाँ पर कई जीव के लिए सर्वाइव करने के लिए यह आदर्श जगह बन सकता है। कहते हैं घासों का बहुलते होने के कारण जो है शुष्क अवरोधी पादपों का कहीं कहीं पाया जाना इस परितंत्र का अभिलक्षण है। घास की ऊंचाई वर्षा पर निर्भर करती है। देखिए अगर घास की लंबाई जो होगी, ऊंचाई होगी, वो वर्षा पर निर्भर करता है। अगर 0.2 मीटर से 3 मीटर तक ऊंची हो सकती है। देखिए घास के जो आकार है 0.2 मीटर से लेकर 3 मीटर तक ऊंची हो सकती है। पेड़ों की ऊंचाई जो होती है 10 मीटर से कम होती है। यानी 10 मीटर से कम पेड़ की ऊंचाई देखने को मिला है। आश्रय के अभाव में जंतुओं की संख्या बहुत कम है क्योंकि यहाँ पर आश्रय नहीं है और आश्रय की वजह से क्या होता है यहाँ पर जंतुओं बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। कहते हैं इस पारितंत्र में बड़े शाकाहारी बारहसिंह, प्रहान उत्तरी अमेरिका में और जंगली घोड़ा, गधा, सेंगा एक प्रकार के जो बारहसिंघा होता है वो भी पाया जाता है जो कि रशिया में पाया जाता है। जेवरा और मुर्ग दक्षिण अफ्रीका में होते हैं और मांसाहारी प्राणी संख्या के आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। इनके उदाहरण जो है क्वेलट, नेवस, बेडस, बेड जो है बेडगर्स, लोमड़ी व फरेट नवल की जाति का जानवर है। ठीक है, बाज, गोरैया, बर्लर्स, कुलेकन चिड़िया, सहन चिड़िया व मोर इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले आम पक्षी हैं जो कि बहुत काफ़ी आसानी से यहाँ पर मिल जाते हैं। घास के मैदान में जो सुसुप एन कीट जाति का भी यहाँ पर बहुलता पाया जाता है। यानी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर सांप भी देखने को मिलेगा और कीट जातियाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। देयर इज अ नेक्स्ट इज अ डिजर्ट। डिजर्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन। डिजर्ट आर द वाटरलेस वेरियन रीजन ऑफ द अर्थ। दे ऑक्यूपाई अबाउट द 1/7 ऑफ द लैंड ऑन द अर्थ सरफेस। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1/7 लैंड अर्थ ऑफ सरफेस। Desert from the stem to the condition of sequence of ecosystem with respect to the climatic condition. There occur in two belt that are in circle and the northern and southern hemisphere. The roughly is a centered over their tropics of Cancer is a Capricorns and the Sahara desert of Africa are the largest Indian third desert are their extension of the Sahara desert through the Arabian and Persian desert. There is the most important and the air climatic condition there. The climatic condition here, the first is the annual rainfall is very little. There is the rain is a very little and it may be less than 25 centimeter per annual. And at some place if the high it is a influence of distributed
And second is the temperature may be a very high, is a subtropical desert, and very low is a cold desert, is a Ladakh. That is the most important area, the Ladakh area. The wind have a highly velocity. The wind is a very fast, there is a highly velocity in this area. And the flora and the fauna here is a castix, is Acacia rubopia, and the prickles is a pair of some of their common desert plant. The desert animal are insect, reptiles, and the brovings, rodents, and desert sort of fox, kangaroos, as a wood rat, a rabbit is a armadillo, and the common mammals in desert. The camel is known as the sheep of the desert, as it can travel long distance and without drinking water for several days. There is the most important here, the camel is also called to the desert sheep. There is a, why the call? There is a several day is the without drinking in a water survive in this area. आगे टॉपिक करने से पहले एक बात जो है त्रिपाण सिंडर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि आपको जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर करोगे तभी उन बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंचेगा जो कि इन वीडियो की उनको सख्त ज़रूरत है, और ये तभी संभव होगा जब आप इसके लिए अग्रसर रहोगे। इसमें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ना उनके घर पर जाने की ज़रूरत है, ना उनको कुछ बोलने की आवश्यकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही वीडियो ख़त्म होती है, आपको पता है कि आपको YouTube पे जो होगा एक शेयर का बटन होगा, शेयर पे आपने क्या करना है, उंगली फेरना है और उसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे लिंक को कॉपी कर देना है। इससे ये होगा जिन बच्चे जो कॉन्टेक्ट में आपके होंगे, चाहे वो रिश्तेदार हों चाहे कोई भी हो, तो उन तक जो है आपके थ्रू ये वीडियो मिलेगा। अगर वो देखेंगे, अगर उनको पसंद आएगी, तो ये कॉपी जो हैगा वो रख लेंगे या उसको जो है सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लेंगे। इससे ये होगा कि वो जब भी मैं वीडियो डालूंगा उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको प्राप्त होगी। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा कि हर जगह जो है आज बड़े बच्चे जो हैं, बड़े घर के बच्चे हैं, वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं, जिनके पास बड़े बड़े ट्यूशन नहीं होता, जिनके पास अच्छे समझ नहीं होती, और वो हिंदी मीडियम के होते हैं, और वो क्या करते हैं, उनको सपना जो होता है मेडिकल लेने की होती है, लेकिन जब भी वो स्कूल में जाते हैं तो टीचर जो है अपनी इंग्लिश के वर्डों में उनको कन्फ्यूज़ कर देते हैं, और वो क्या करते हैं आगे वो पहले दिन ही गिव अप कर देते हैं कि मुझसे मेडिकल नहीं हो सकता, ठीक है मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति भी नहीं है जो मुझे हिंदी में इसको पूरा ट्रांसलेट कर सके। इसलिए आपको पता है कि त्रिपाण सेंटर जो है इसको हिंदी इंग्लिश, ठीक है, मैं भी आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, साथ में डिस्प्ले भी हिंदी इंग्लिश में हो रहा है, जो कि आपके लिए डबल डोज के समान है। तो इसमें दोस्तों सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, क्योंकि जग कल्याण के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं होता। देखिए आप ऐसे ही आए दिन आप लोग जो हो व्हाट्सएप स्टेटस पर अपना स्टेटस लगाते रहते हो, एक दिन कम से कम आप किसी पढ़ाई लिखाई का स्टेटस लगा के देखो, देखिए इसका प्रभाव सब पे पड़ेगा और सब आपको अच्छे भी कहेंगे, क्योंकि आपने कुछ एजुकेशन वाली बात लगाई है जिससे कि दूसरे बच्चों को हेल्प भी मिल सकता है। और क्या पता जिन भी बच्चों को ये वीडियो प्राप्त हो वो आपको शुक्रिया अदा भी करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस बात की कोई मान्यता नहीं है कि वो बच्चा को प्राप्त हो चाहे ना हो, सिर्फ हमने अपना कर्म करना है, जैसे त्रिपाण सेंटर जो है अपना कर्म कर रहा है। चाहे देखिए मेरा जितना भी सब्सक्राइबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहते हैं जिन बच्चों को अच्छा लगेगा वही सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिनको नहीं अच्छा लगेगा वो लीव कर जाएंगे, ये जर्नल सी बात है। क्योंकि मुझे पता है कि आपको पता है कि YouTube पे न जाने कितने लाख वीडियो पड़े हुए हैं इसी एक टॉपिक पे, तो मेरे ही वीडियो क्यों देखेंगे बच्चे। देखिए मेरा वीडियो देखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश और आपके ही लैंग्वेज में ये उपलब्ध है, साधारण भाषा, साधारण लैंग्वेज, समाज, साधारण सोच विचार। तो इससे क्या होता है कि आपको जो है इसमें विस्तृत ज्ञान होती है, लेकिन आपके ही लैंग्वेज में होता है, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा के बराबर हो जाता है। तो इसमें आपको सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, आपने इसको जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाना है। दोस्तों यहाँ पर जो है मरुस्थल की बात आ गया है, डिजर्ट की बात आई है, तो इसमें सबसे पहले तो हमारा वितरण होगा कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। अगर देखा जाए तो मरुस्थल पृथ्वी के जो है जलवहीन बंजर भाग में आता है, जिसमें जल की मात्रा बहुत ही कम होती है, और यह पृथ्वी की सतह का लगभग सातवां भाग घेरा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि सातवां भाग जो है डिजर्ट एरिया के अंतर्गत ही आता है। कहते हैं परिस्थिति क्रम में ये जलवायु भी दृष्टिकोण से एक चरम सीमा पर होते हैं और प्रायः उत्तरी और दक्षिण ग्लोब के घेरने वाले दो पट्टियों में स्थित होते हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास ही होते हैं।
अफ्रीका का सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है और भारत का थार मरुस्थल अरब और फारस के सहारा मरुस्थल का विस्तार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अफ्रीका का जो अगर आप देखोगे सहारा मरुस्थल वो सबसे बड़ा है, लेकिन भारत में जो पाया जाता है वो है थार मरुस्थल, जो अरब फारस और सहारा मरुस्थल के विस्तार के लिए उत्तरदायी होती है। कहते हैं अगर यहाँ पर देखा जाए जलवायु की कंडीशन, तो पाया जाता है कि जलवायु यहाँ पर डिफरेंट होती है। कहते हैं इसमें वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है, यानी देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, यानी रेन जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि दो स्थानों पर अधिक होती है तो इसका जो वितरण है असामान्य रहती है। तो ये भी बात इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। कहते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का तापमान बहुत अधिक और ठंडे मरुस्थल में बहुत कम होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक बात होती है, अगर देखा जाए तो दिन में जो है बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, लेकिन अगर रात में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत तेज़ सर्दी भी पड़ती है। तो यहाँ का जो कंडीशन है बहुत हार्श कंडीशन है, जहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। कहते हैं यहाँ वायु की जो वेग होता है अत्यधिक मात्रा में चलती है, यानी क्योंकि रिजॉर्ट एरिया है तो यहाँ जो है वायु काफ़ी तेज़ चलती है। यहाँ पर जो है पादप और जात प्राणी जाति, देखिए यहाँ पादप प्राणी जाति के लिए बेशक लिए आदर्श एरिया न हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर कई जीव जंतु जो है पाए जाते हैं। कहते हैं अगर नागफनी देखा जाए, बबूल देखा जाए, यूफोर्बिया और कटेदार नागफनी मिश्रित पादपों के सामान्य उदाहरण हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही जीव सर्वाइव पेड़ पौधे सर्वाइव कर सकते हैं जिसमें जो है जो पत्तियाँ होती है कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती है, और इनके जड़ें जो होती है बहुत डीपली चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जल नहीं होती है तो ये बहुत डीपली जाके जल को अब्सॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि वर्षाजन बहुत कम होने के लिए इनकी पत्तियाँ जो होती है कांटों में रूपांतरित हो जाती है, और कई कई पौधों में तो पत्तियाँ होती ही नहीं हैं, क्योंकि पत्तियाँ रहेगी तो इसमें स्टोमेटा खुलेगा और इससे क्या होगा, इसका जो है पानी हर्ष हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा बहुत से जो है यहाँ पर जो है तनों से स्टोमेटा होने वाले पौधे पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस होती है, तो कैक्टस जो होता है अपने तनों से ही जो है अपना भोजन बनाती है। तो ये पौधों की यहाँ की विशेषता है, और यहाँ की जो है कहते हैं जैसा कंडीशन पाया जाता है वैसा ही पेड़ पौधे का विकास होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मरुस्थलीय जंतु कीट और सुसे बिल बनाने वाले और कुतरंग प्राणी ही पाए जाते हैं, यहाँ पर बहुत कम पाए जाते हैं लेकिन कुतरने वाला प्राणी ही पाया जाता है। कहते हैं यहाँ पर छुजंदर हो, लोमड़ी हो, कंगारू हो, चूहा, खरगोश और सामान्य सतनधारी पाया जाता है जो कि आम होता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पाया जाता है वो ऊँट होता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिना पानी पिए कई दिनों तक चलता रहता है। देखिए दोस्तों, ये तो आपको बचपन से पढ़ाई जाती है कि मरुस्थल के जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊँट को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका पैर जो होता है गतिदार होता है और इसको सर्वाइव करने के लिए बहुत आसान बना देता है, और रेत में जो है इसका पैर धंसता भी नहीं है, तो ये भी इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। इसलिए इसका पैर जो होता है काफ़ी मांसपेशियों से बना होता है, जो कि क्षेत्रफल की वजह से ये धंसती नहीं है। और दूसरी बात जो होता है इसका स्किन जो होता है, क्योंकि मरुस्थल के जानवर है तो इसका स्किन जो है बहुत पतला हो जाता है, तभी पतला इसलिए होता है कि इसको जो है काफ़ी इसको सुरक्षित प्रदान किया जा सके और जो है गर्मी का ये झेल सके। और तीसरी बात ये रहता है कि इसको जो है पानी के हर्ष से बचाने के लिए इसका हुप बना होता है, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में फैट और पानी इकट्ठा रहता है। तो यही बात जो है इसको जो है राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज साबित करता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो थी इसके रिसोर्ट एरिया में मानी जाती हैं। द नेक्स्ट इज अ टुंड्रा। टुंड्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। द वर्ल्ड टुंड्रा मीन्स टू द बोरियन लैंड द सेम देर आर फाउंड इन द दोज रीजन्स ऑफ वर्ल्ड वेयर इन्वायरमेंट कंडीशन आर वेरी सर्व एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ टुंड्रा इज अरेक्टिक्स एंड अल्फाइन। द अरेक्टिक्स एंड द अल्फाइन इज बीन हेयर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन द आर्टिक टुंड्रा इज एक्सटेंड एज अ कंटिन्यूसी बेल्ट बिलो टू द पोलर आइस कैप एंड अबव द ट्री लाइन्स ऑन द नॉर्थन हेमस्फीयर। इट इज ऑक्यूपाई द नॉर्थन फेयरिंग्स ऑफ देर कैनेडा, अलास्का एंड यूरोपियंस एंड रशिया एंड सर्बेरिया एंड द आइसलैंड ग्रुप ऑफ अंटार्कटिक ओशियंस। द अल्पाइन इज अ टुंड्रा इज अक्कर एट द हाई माउंटेन पीक अबव द ट्री लाइन्स एंड सीन द माउंटेन्स आर फाउंड एट ऑल एल्टीट्यूड्स आर देयर फॉर अल्पाइन इज अ टुंड्रा शो डे एंड द नाइट टेम्परेचर ऑफ वेरिएशन। देयर इज द नेक्स्ट इज अ क्लाइमेट। देयर क्लाइमेट इज अ परमानेंटली फ्रोजन या सब सोइल्स कॉल इज अ प्रो फॉरेस्ट।
प्रेफोस्ट इज द फाउंड इन द ऑर्किड्स एंड देयर इज अ एंड्रोस्टिक्स टुंड्रा. द समर टेम्परेचर मई बी अराउंड 15 सेल्सियस एंड विंटर इट्स मई बी अ लो एज अ -57 सेल्सियस. एवर्टिक्स टुंड्रा इज अ वेरी लो प्रेसिपिटेशन ऑफ लेस देन 400 mm पर ईयर. देर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर एंड शॉर्ट वेजिटेशन पीरियड ऑफ जनरली लेस देन 50 डे बिटवीन टू स्प्रिंग एंड द ऑटम फ्रोस्ट एंड प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो. देर इज अ नेक्स्ट इज फ्लोरा एंड द फना. द टिपिकल वेजिटेशन ऑफ एरोटिक्स इज अ टुंड्रा इज अ कॉटन ग्रास. कॉटन ग्रास एंड सेडेस इज अ ड्राफ इज अ हेल इज अ वलवंस इज अ वार्चिस एंड द लीचियंस. द एनिमल्स ऑफ टुंड्रा आर इज अ हरपोयास इज द रेंडो डियर्स एंड देर मुस्का ऑक्स ऑटिस हेयर एंड कैरिबियस. लर्मिंग ऑन द स्क्वेरल बॉडी इज अ कवर विद अ फर फॉर द इंसुलेशन. And the insect have a short life cycle which are completed during two favorable period of the year. That is the most important. There are insulator and they have a short life cycle and their body is covered with the fur. That is the period of the year. दोस्तों यहाँ पर टुंड्रा की बात की जा रही है जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कहते टुंड्रा शब्द का अर्थ ही जो होता है बंजर भूमि. देखिए इसका मतलब ही क्या होता है बंजर भूमि. टुंड्रा का मतलब होता है बंजर भूमि. ये संसार के भागों में पाया जाता है. ये संसार के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर्यावरणीय दशाएं अत्यधिक कठिन होता है, यानी जहाँ पर कोई जीव जंतु के सर्वाइव करने के लिए बहुत काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. अगर देखा जाए टुंड्रा दो प्रकार के होते हैं, एक अंटार्कटिका टुंड्रा और एक होता है एप्लाइड टुंड्रा. अगर देखा जाए इनकी वितरण प्रणाली को यानी डिस्ट्रीब्यूशन को, तो ये जो है अंटार्कटिक टुंड्रा जो होता है ये उत्तरी ध्रुव में ब्रिटिश रेखा के ऊपर ध्रुवीय हिम आवरण के नीचे एक अवांछनीय पट्टी के रूप में अव्यवस्थित होते हैं. और उत्तरी कनाडा जो है अलास्का यूरोपीय रूस साइबेरिया व अंटार्कटिका समुद्र के द्वीप समूह में फैला हुआ है. कहते हैं अल्पलाइन टुंड्रा ये वृक्ष रेखा के ऊपर पर्वतों पर स्थित होती है क्योंकि पर्वत सभी अक्षांशों पर पाया जाता है. अंततः जो है अल्पाइना टुंडा दिवस और रात्रि के तापमान परिवर्तन को दर्शाता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी रखता है. अगर देखा जाए यहाँ पर जलवायु की कंडीशन, तो कहते हैं अंटार्कटिका एवं जो अंटार्कटिका और अंटार्कटिका टुंडा में स्थायी रूप से जमी हुई जो अब मृदा पाई जाती है और जिसे हम फर्मास्फॉट यानी फर्मोफास्ट कहते हैं. कहते हैं ग्रीष्म ऋतु का तापक्रम अगर देखा जाए तो 15 सेल्सियस के आसपास ही पाई जाती है और शीतकाल में अंटार्कटिका टुंड्रा में तापक्रम जो होता है -57 सेल्सियस तक पहुंच जाता है जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन बना देता है. वार्षिक वर्षा अगर देखा जाए तो इसमें जो है 400 मिमी से कम होती है. यानी दोस्तों जहाँ सेंटीमीटर की बात की जाती है वहाँ पर अगर मिमी में बात किया जाए तो आप समझ सकते हो कि यहाँ वर्षा जो है कितनी होगी. तभी तो यहाँ पर जो है इसको बंजर भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है. तो ये बात समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. कहते हैं बसंत और पतझड़ के बीच छोटा सा वनस्पति काल 50 दिनों से भी कम समय का होता है. यानी यहाँ पर अगर बसंत और पतझड़ की बात किया जाए तो 50 दिनों से भी कम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है. दूसरी यह उत्पादकता कम होती है. यानी अगर इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति सर्वाइव करता है तो उसको सर्वाइव करना कठिन होगा क्योंकि यहाँ पर जो है उत्पादकता बहुत ही कम है. देखिए यहाँ पर उत्पादकता कम होने की वजह से क्या होगा, इसका असर पादप जात और प्राणी जात पे जरूर पड़ेगा. कहते हैं अंटार्कटिका टुंडा की प्रारूपिक वनस्पति कपास घास और नरकट बौनी झाड़ी मीसा वच और शैक है. टुंडा प्रदेश के जंतु जो है बारहसिंगा कस्तूरी बैल अंटार्कटिका खरगोश वेरिवोस लेमिंग गिलहरी है. अगर ताप रोधन के लिए उसका जो है शरीर फर से ढका हुआ रहता है और कीटों का जीवन चक्र अल्प होती है. यानी यहाँ पर जो है कीटों के जीवन जो होती है बहुत कम समय के लिए होती है जो कि अनुकूल अवधि में पुण्य हो जाती है. यानी एक समय जो होता है अर्ली मूड में ये कंप्लीट अपना जीवन सर्कल कर लेते हैं. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर रखता है.